वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल गुलशन वीडियोज। आज का ये वीडियो जो है बेस है, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर कब बनाते हैं और उससे कुछ एग्जांपल्स। आज जो मैंने एग्जांपल लिए हैं वो लिए हैं फिक्स्ड एसेट्स, और ये जानते हैं कि हम इसे मल्टीपल लेजर में कैसे बना सकते हैं। तो सर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम मल्टीपल लेजर बनाते कब हैं। मल्टीपल लेजर हम तब बनाते हैं फ्रेंड जबकि हमारा जो ग्रुप होता है वो ग्रुप एक ही होता है और सारे आइटम उस ग्रुप के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट, तो कंपनी में हम काम करते हैं तो कई सारे फिक्स्ड एसेट कंपनी में होते हैं, तो उसके लिए हमें लेजर बनाने पड़ते हैं। तो हम अलग अलग लेजर बनाने की जगह हम एक मल्टीपल लेजर बना सकते हैं जिसका हेड जो होगा वो फिक्स्ड एसेट ही होगा और उसके अंतर्गत वो सारे आइटम आपके आएंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि इसे हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, या आपका गेटवे ऑफ टैली है। इसके बाद आप जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में और यहाँ आपको मिलेगा लेजर। इस लेजर में हम बनाएंगे मल्टीपल लेजर क्रिएट, क्योंकि फ्रेंड्स जब मल्टीपल लेजर बनाते हैं तो ये हमारा टाइमिंग कंज्यूम नहीं होता है, तो बहुत ही कम समय में हमारा लेजर बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि हमें बार बार इसमें आपका जो ग्रुप है वो बार बार सेलेक्ट करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। इसमें जाएंगे क्रिएट में, हमने बस एक बार उसको जो ग्रुप है वो ले लिया। इसे मैंने लिया फिक्स्ड एसेट्स, यह आपके सामने फिक्स्ड एसेट के लेजर आ गया, ग्रुप आ गया। आप इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे एक बार बस। अब जो भी आइटम इस ग्रुप में आएंगे उसको आप इसको एंटर कर देंगे। जैसे मेरा सबसे पहला ही लेजर है प्लांट एंड मशीनरी का, तो मैं लूँगा प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। सेकेंड नंबर पे हमारा ये है फर्नीचर एंड फिक्स्चर, और इसे थर्ड नंबर पे हमारा जो है फिक्स्ड एसेट में कुछ हमारे पास टूल हैं वो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स ही हैं, इसको मैंने ले लिया। और फोर्थ में हमारा जो है हॉर्स एंड कार्ट्स है, फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, और उसके बाद हमारा है फ्री होल्ड, ऑब्लिक हमारा है लीज होल्ड लैंड। फिर हमारा नेक्स्ट है बिजनेस प्रेमिसेस, जो भी जो कि एक फिक्स्ड एसेट ही हमारा है। नेक्स्ट हमारा है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, और फिर हमारा लास्ट है गुडविल। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि हमें इनका ग्रुप जो है बार बार सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस एक ही बार हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था सर ग्रुप, और जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट था अंडर ग्रुप फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्स्चर है, गुडविल पेटेंट है, ये सारे मैंने एंटर कर दिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेजर एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइमिंग कंज्यूमिंग से आप बच जाते हैं। आप बहुत ही कम समय में ढेर सारे अगर एक ही ट्रांजेक्शन के एक ही ग्रुप के आइटम है तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारे सिंडिकेटर हों, बहुत सारे सिंडिकेटर हों, तो इसको आपको बार बार सिंगल लेजर में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ही आप मल्टीपल लेजर में जाके अंडर ग्रुप सिंडिकेटर या सिंडिकेटर करके आप वो सारे नाम लिख देंगे, तो वो सारे आपके जो सिंडिकेटर में होंगे सिंडिकेटर में आएंगे, सारे आपके जो सिंडिकेटर में होंगे वो सारे नाम आपके सिंडिकेटर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही कम समय में मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।